हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग पार्ट्स। अभी तक के पहले के चैप्टर्स में हमने प्लेस वैल्यू, नंबर सिस्टम ये सब पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे आज पार्ट्स। पार्ट्स क्या होते हैं? अगर आपको किसी को भी, जैसे आपके पास में एक टॉफी है डेयरी मिल्क की, जो कौन से फॉर्म में होती है? रेक्टेंगल के फॉर्म में, इस टाइप से होती है। तो अगर किसी को आपको उसको हाफ देना है, तो आप उसको टू इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे और हाफ अपनी फ्रेंड्स को दे देंगे। तो आपने उसको टू पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इस टाइप से पार्ट्स अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने ये स्क्वायर है, ये आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर को क्या किया मैंने, इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक स्क्वायर बनाया, ड्रॉ किया मैंने, इसको फोर पार्ट में आपका क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अभी फोर पार्ट में डिवाइड हो गया, वन टू थ्री एंड फोर। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका ये? फोर पार्ट्स में। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, इसको वन पार्ट्स को मैंने क्या किया, शेडेड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? शेडेड कर दिया। तो इसका जो पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, अगर आपको बोले कि शेडेड पार्ट कितना है इस स्क्वायर का, तो आप क्या बोलेंगे? वन बाय फोर, क्योंकि हमने ओनली वन पार्ट को शेड किया है। कितने पार्ट को शेड किया हमने? वन पार्ट को शेड किया है। तो वन पार्ट तो वो हो गया, और टोटल कितने पार्ट है? वन टू थ्री फोर। टोटल कितने पार्ट में से हमने इसको शेड किया है? फोर पार्ट में से। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे? वन बाय फोर। क्या बोलेंगे हम इसको? वन बाय फोर्थ पार्ट। ओके, अब हमारा सेकंड क्या है? सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, इसको मैंने टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में एक लाइन ड्रॉ की। अब बीच में एक लाइन ड्रॉ करने से जो सर्कल है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपके? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बट मैंने इसको शेड किया, मैंने सिर्फ एक पार्ट उसका शेड किया है। अब वन पार्ट मैंने शेड किया है, इसलिए मैंने यहाँ वन लिख दिया। जितना पार्ट आप शेड करेंगे, उतने आपको लिखना है। अगर आप टू पार्ट को शेड करते तो आप टू लिख देते। तो यहाँ पे मैंने वन पार्ट को शेड कर दिया, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? वन। और टोटल पार्ट कितने हैं इसमें? टू पार्ट। टोटल कितने पार्ट है इसमें? टू पार्ट है। तो अमाउंट में क्या लिख दिया हमने? टू लिख दिया। तो आप इसका जो पार्ट है वो क्या होगा? वन बाय टू। इसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। आया समझ में आपको? अब थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में क्या हुआ? ट्राइंगल के हम कितने भी पार्ट कर सकते, किसी भी जो फिगर्स बना हुआ उसके कितने भी पार्ट कर सकते थे। अब जैसे मैंने ट्राइंगल के कितने पार्ट किए, मेरे पास में एक ट्राइंगल ड्रॉ है। अब मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसके वन टू एंड थ्री। मैंने कितने पार्ट्स किए उसके? थ्री। वन टू एंड थ्री। बट मैंने जो शेड किया है वो कितना पार्ट्स किया आपको? ओनली टू पार्ट्स को मैंने उसमें शेड कर दिया। ये वन पार्ट्स है, टू पार्ट। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका फ्रैक्शन कितना है शेडेड पार्ट्स का, तो आप इसके पार्ट्स कितने हुए, तो मैं क्या बोलूंगी? टू पार्ट शेड हुए हैं, तो क्या लिखेंगे हम? टू। और टोटल कितने पार्ट्स है इसमें? वन टू एंड थ्री। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू अपॉन थ्री पार्ट्स। क्या लिखेंगे आप इसको? टू अपॉन थ्री पार्ट्स। अगर मैंने इसमें ये वाला जो शेडेड पार्ट्स है, जो मैंने शेडेड किया है, इसको हटा देते। चलो, मैंने इसको हटाया, रिमूव कर दिया। देन फिर आप इसको कैसे राइट करेंगे आप बताइए, जल्दी से बोलिए। क्या आएगा? वन अपॉन थ्री। वेरी गुड। कैसे आ रहा वन अपॉन थ्री? क्योंकि यहाँ पर ओनली वन पार्ट शेडेड है। कितना पार्ट शेडेड है? ओनली वन पार्ट शेडेड। तो आप इसको वन लिख दिया, और टोटल कितने पार्ट है आपके? थ्री पार्ट है। तो आज के अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा? वन अपॉन थ्री। ओके, ये आपको हो गया क्लियर डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये एक बॉक्स है, इसमें आप काउंट करें कि कितनी बॉल्स हैं। काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। कभी आपके पास एट बॉल्स है और आपको किसी ने बोला कि इसमें हाफ जो बॉल्स है आप मुझे दे दो, तो आप कैसे काउंट पता चलेगा कि मुझे हाफ बॉल कैसे देनी है उसको? तो हम क्या करेंगे, टोटल कितनी बॉल्स है पहले वो काउंट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये तो हो गया। अब हमको उसमें से हाफ देना है, तो हाफ ऑफ एट, तो हाफ मतलब वन बाय टू, आधा जिसको बोलते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? वन बाय टू से। तो वन बाय टू ऑफ एट, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो वन बाय टू मल्टीप्लाई एट, ये लिख दिया हमने। अब टू की टेबल में एट कितने टाइम्स में आता है? फोर टाइम्स में आता है। टू वन जर टू, टू फोर जर एट, मतलब आंसर क्या आ गया आपका? फोर। तो इसका जो एट का जो हाफ पार्ट कितना हो गया? फोर। आप बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप,
ये फोर पार्ट फोर हो गया, वन टू थ्री एंड फोर, मतलब फोर इसका आंसर आ जाएगा, वन बाई टू ऑफ एट, मतलब एट का जब आप हाफ करते हैं तो वो कितना होता है फोर। तो जब भी आप हाफ की बात होगी तो उसको आप कैसे डिनोट करेंगे, वन बाय टू से, वो टू से जो भी नंबर आपको हाफ करने के लिए दें आप उसको डिवाइड कर दें। ओके, आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में सम करेंगे। थैंक्स वेरी मच।